हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम भले चंगे होंगे। और मैं थोड़ी नहीं ठीक हूँ, तो मुझे 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और फीवर हो रहा था, बॉडी में पेन भी हो रहा था। तो कल मेडिसिन ली हूँ तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ हुआ है। और कल तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। एक तो वीकनेस, ऊपर से कुछ ना खाओ तो सारा दिन बेड में पड़े रहो तो अच्छा नहीं लगता है एकदम। और अभी ब्लॉग डालने लगी हूँ तो मुझे ब्लॉगिंग करने में अच्छा लग रहा है, चाहे व्यूज आ रहे हैं वो या भी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन मन लग गया है क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गए हैं, 6-7 मंथ जब से मैं रेगुलर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज संडे है तो संडे ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ आज पोहा। पोहा की रेसिपी आप लोग साथ में कितना तक शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वैसे भी मन नहीं हो रहा है बनाने का, लेकिन मेरे घर में मैं ही हूँ, जो अगर खुद से ना बनाओ तो फिर खाने को भी नहीं मिलेगा। और बाहर का कितना कोई खाएगा, वैसे भी मन नहीं करता अब तो। पहले मैं बहुत खाती थी बाहर का, लेकिन अब तो एकदम नहीं होता है। ये होता है कि खुद से उठो, भले बीमार हो, दाल रोटी ही बना लो, लेकिन खुद का बनाया हुआ घर में खाओ। घर में मटर ख़त्म हो गया था, धनिया, तो वही दरवाजे पे ठेला वाले जो अंकल आते हैं वो सब्जी देकर गए हैं अभी, तो मैंने फ्रेश अभी सब्जी ली है। ये देखिए, ये सब्जी अभी ली है, धनिया, मटर और ये बैंगन ली हूँ। देखती हूँ किसी दिन भरता बन जाएगा। आलू भी ख़त्म हो गए थे और आज हम लोग को मार्केट भी जाना है, क्योंकि स्कूटी लिए है ना तो उसका नंबर प्लेट भी आ गया है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो अभी जाना है, ये बोल कल जाने को हम फिर गए नहीं। तो चलिए पोहा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। इस तरह से मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, 5-6। तो फ्रेंड्स, पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है, पहले तो एक अनियन कट कर ली हूँ। काजू ऑप्शनल है, इसके जगह पे मूंगफली भी ले सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। एक टोमेटो और नींबू, हाँ नींबू से पोहा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में करी पत्ते, और मैंने मार्केट का पोहा लिया है। सबसे पहले मैं ऑयल ऐड की हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैं उसमें राई ऐड कर दी हूँ। साथ में प्याज ऐड कर दी हूँ। और पोहा को मैं पानी में सोख करके रख दी हूँ 5 मिनट के लिए। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का पिंकिश करना है, क्योंकि पोहे में जब प्याज के लच्छे दिखते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही प्याज भुन जाएगी तो उसमें हम कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, और साथ में 2 मिर्ची जा रही है। मिर्ची को काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चे को खिलाना है इस वजह से मैं साबुत डाली हूँ चीरे लगा के। और साथ में काजू जा रहा है, और इसी टाइम पे मैं मटर भी ऐड कर दी हूँ। और अभी मैं हल्दी डाल रही हूँ, तो हल्दी का कलर थोड़ा कम ही पोहा में अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हल्दी डालना है, जिससे बहुत ज़्यादा येलो येलो कलर ना आए। और साथ में इसी स्टेज पे चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी से पोहे का फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। और इसमें लाल मिर्च पाउडर भी जा रहा है। और एक साइड अभी मैं पोहे निकाल के रख दी थी तो उसको ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने और पोहा को ऐड करने के बाद मैं इसमें नींबू का जूस भी ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा टैंगी सा टेस्ट आता है। पोहे में लेमन जूस डालने के बाद अच्छे से चलाकर 5 मिनट तक भून लेना है। इसी स्टेज पे हमें सॉल्ट भी ऐड करना है, तो नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। नमक डालने के बाद अच्छे से भून लेना है। और एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ तो चाय बन रही है। और ये देखिए, पोहा बनने के बाद हमारा कुछ इस कदर दिख रहा है। तो गाइज, आप लोग भी आओ और ब्रेकफास्ट कर लो।
और अभी अर्श को यहाँ पे मोबाइल देकर खिला रही हूँ क्योंकि फिर वो खाएगी नहीं, हमको रूम में बैठा कर उसको खिलाना पड़ता है। और मैं भी नाश्ता कर लूँ, फिर जल्दी से हमें फिर रेडी होके जाना है आज स्कूटी का जो नंबर प्लेट है वो लगाने के लिए, और भी कई काम है। तो तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन नाश्ता कर लेते हैं फिर जाएंगे TVS के शोरूम में। तो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग शोरूम में, और स्कूटी का जो भी नंबर वगैरह नंबर प्लेट जो लग रहे हैं वो सब काम हो रहा है, और तब तक मैं सोची थोड़ा वीडियो बना लूँ। नहीं नहीं बैठना नहीं, वेंटिलेशन लगवा देंगे। तुम देखो ना क्या हो रहा है, स्कूटी को देखो क्या हो रहा है। कार्ड लगाइए, उन्होंने कार्ड लगाया, रुक जा। रुक जा, अलग निकाल ली।